दोस्तों अगले पार्ट में मैंने वीडियो बनाया था इस तरह वीडियो कैसे बनाई जाती है, ठीक है। तो ये वाली वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप बनाओगे और कैसे बना सकते हो। तो इस तरह से आपको एक बार शूटिंग कर लेनी है, ठीक है। इस प्रकार से आप शूटिंग कर लेंगे, उसके बाद क्या करना है आपको अपने जैसे कि दो चार से PNG बना के रख लेना है, अपना चीज चीज़ पर बनाना है, जैसे गुल्लक हो गया, कोई चीज़ हो गया, मटका हो गया, घड़ा हो गया, तो इस चीज़ पर आपको PNG बना के रख लेना। तो मैंने यहाँ पर मटका घड़ा के PNG बना के रखा है, तो मैं उस PNG को यहाँ पर एक ले लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए हमारा ये वाला PNG है, तो इस PNG को मैं साइड में लगा देता हूँ, जितना मेरा एडजस्ट होता है वीडियो के हिसाब से, जिस हिसाब से मैं हाथ चलाऊंगा ना उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। तो इसका एक डुप्लीकेट करके और डुप्लीकेट करके तीन कर लेना टोटल, ठीक है। तो तीनों अपने हिसाब से मैनेज करके सेट कर लेना, ठीक है। जब तीनों आपके मैनेज हिसाब से बिल्कुल सेट हो जाए तो एक बार वीडियो प्ले करके भी देख लेना किस हिसाब से आपको हाथ कहाँ पर पहुँच रहा है, कितनी जगह पर नहीं पहुँच रहा है, उसको बराबर से बिल्कुल सेट करना है, ठीक है। जैसे ही वीडियो को सेट हो जाए, जैसे कि हाथ हम मारे ना तो उस घड़े पे बराबर लगना चाहिए, ठीक है। घड़ा हो या किसी चीज़ से भी बना सकते हो यार, ठीक है, कोई चीज़ भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि घड़ा ही होना चाहिए। आप किसी चीज़ का भी जानो फोटो डाउनलोड करके उसका PNG बना के लगा सकते हो, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद में जैसे कि मैंने घड़ा फोड़ना है, घड़ा फोड़ने के बाद यहाँ से हमको क्या करना है, लड़की या चुड़ैल का फोटो लगाना, फोटो भी होता है वीडियो भी लगा सकते हो, ठीक है। आप वीडियो भी ग्रीन वीडियो डाउनलोड करके लगा सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी देखो यहाँ पर चुड़ैल वाला वीडियो है, मैंने वीडियो यहाँ पे लिया, वीडियो को मैं छोटा सा कर दूंगा, एक साइड में लगा दूंगा, ठीक है। अब इसका मैं क्या करूँगा, ग्रीन बैकग्राउंड को रिमूव करूँगा, बैकग्राउंड रिमूव हो गया। उसके बाद में क्या करना है, अभी इसको बिल्कुल बढ़िया बदम से एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट करने के बाद में क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको जो वो वाला मूव वाला देंगे तो नीचे से बिल्कुल अपने आप आराम से निकलेगी, ठीक है। या 3 डॉट पर टच करके उसके बाद हम वो कर देंगे। अब देखिए हमारा चुड़ैल कैसे पैर चला रही है, ठीक है, पैर चला रही बराबर से, पैर चलाते चलाते अब इधर साइड में क्या करेंगे, अभी देखो ये मेरा घड़ा के पास आ रहा है, ठीक है, घड़ा के पास हाथ पहुंच रहा है, ऊपर थोड़ा हल्का बढ़ाना है साइड में, अभी हाथ ठीक है, आप मार के देखेंगे घड़ा फूट गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम दूसरा वाला वीडियो ले लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ चुड़ैल के साथ में एक दूसरा भी कार्टून वीडियो रखा था, वो वाला मैं यहाँ पर लगा दूँगा, ठीक है। ये वाला कार्टून लगाने के बाद इसको सेट करके इसके बाद बैकग्राउंड रिमूव कर दिए, बिल्कुल सेट कर लेंगे। ये भी लाज चला रहा है मेरी तरफ, ठीक है, ये भी लाग चलाते चलाते अब इसको क्या करेंगे, जैसे हम ऊपर वाले की तरफ हाथ ले जाएंगे ना तो वहाँ से इसको कट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने ऊपर वाले का हाथ ले गया तो यहाँ से कट कर देंगे, वो दोनों को गैप कर देना है, ठीक है। अब यहाँ से मेरा मटके के उंगली बराबर पहुँचना चाहिए, मटके के बराबर में उंगली, ठीक है। अब देख लें यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, मटका को कट कर देंगे, जैसे ही उंगली मेरा पहुँचता है मटका को कट कर देंगे। यहाँ से मेरे को 4-5 है ना भगवान का ज़रूरत पड़ेगा, जैसे भगवान के फोटो होगा तो उसको बैकग्राउंड रिविजिट करके आपको ज़रूरत होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने मान लीजिए यहाँ पर शंकर जी का है, ठीक, तो मैंने शंकर जी का लगाया। उसके बाद में क्या करेंगे, हम यहाँ पे और भी दूसरे भी भगवान का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि शंकर जी हो गया, गणेश जी हो गया, माता जी हो गए, जिसका भी आपको यूज करना है उसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए मैंने माता जी को यूज कर दिया यहाँ पे, तो ऐसे ही आपको करना है, ज़्यादा नहीं, ओनली 4, अगर 4 रखना चाहो 4 होता है, 6 भी रख सकते हो, ठीक है, जिस हिसाब से करना आपको 4-6 जो भी करना बराबर से यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है। बराबर से लगाने के बाद में क्या करना है मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से अभी 3 हुआ मेरा, चौथा लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे कृष्ण भगवान, ये कृष्ण भगवान का लगा देते हैं, ठीक है, ये लग गया। अब इसके बाद 4 को लेंथ वीडियो के बराबर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम जो की वाले ऑप्शन को टच करके और प्लस का निशान का लगा के इसको आगे बढ़ा देंगे, आगे बढ़ा करके, अरे कॉल आ गई यार, कट कर दिए, ठीक है। आगे बढ़ा करके हम इसको कहाँ से एडजस्ट करेंगे, जैसे कि मैं बड़ा पिक कर दूँगा, यहाँ पर एडजस्ट करूँगा जहाँ पर हाथ जोड़ रहा है, ठीक है। फिर ऐसे करके मेरे को चारों जो फोटोज़ हैं ना, चारों को एक एक कोनों में, चारों कोनों में सेट कर देना मेरे को, ठीक है। चारों कोनों में जब सेट हो जाएगा तो वीडियो हमारा बिल्कुल परफेक्टली तरीके से अच्छा लगेगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो हमारा बिल्कुल बन के क्लियर हो जाएगा, एक तरफ से भगवान का कर देंगे, साइड में लास्ट में बचेगा ना वो भी साइड में भगवान को कर देंगे। तो ऐसे करके हमारा वीडियो बिल्कुल परफेक्टली बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। आप देख सकते हैं किस हिसाब से खाली भगवान को देंगे, बस वो भी लगा के वीडियो हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार है, ठीक। आप देख सकते हैं वीडियो बनके रेडी हमारा हो चुका है। तो इस तरीके से आप भी वीडियो बनाइए और वीडियो आपका भी बनके रेडी करिए, और वायरल करने के लिए टाइम के लिए मैं और वीडियो बना के डाला हूँ, तो उस वीडियो को देखिए कितने टाइम पे आपने वीडियो अपलोड किया जाता है जो हमारा वीडियो वायरल होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं वीडियो यहाँ पर बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। आप देख सकते हैं बिल्कुल वीडियो बन के रेडी हो चुका है, और यहाँ से आपको म्यूजिक लगाना है ना तो सीधा वहाँ पे शॉर्ट फिट में जाकर के यूट्यूब से लगा लेना, ठीक है।